वेलकम टू जीव ज्ञानम दिस इज संगीता सो लेट स्टार्ट ग्रेविटी मेथड टूडे सो इफ देर इज अ सब सर्फेस सर्वे गोइंग ऑन ओके मतलब बिलो द सर्फेस सर्वे हो रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक और बॉडी आ गई सेंटर में ठीक है नाउ यू सी द डेंसिटी ऑफ दिस ओर बॉडी विल बी हायर ओके और मिनरल्स दे आर ऑफ हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग सराउंडिंग रॉक्स आर लुकिंग सिमिलर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल वन सो वेन वी डू दी सर्वे विद द हेल्प ऑफ ग्रेवीमीटर यू विल सी दिस ग्राफ ओके तो इनिशियली देर विल भी लीनियर ग्राफ बट जैसे ही ओवर बॉडी आएगी उसके uh, जब हम सर्वे करते हैं कैसे हम uh, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे एक पीक आएगी लुकेट दिस हाइयर पीक एज कंपेयर टू द इनिशियल वन ओके एंड जैसे ही फिर से सिमिलर रॉक्स आ गई स्टिल uh, इनिशियल की तरह एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा तो दिस पीक विल बी दी ग्रेविटी अनोमली ओके दिस इज दी अनोमलस बिहेवियर यू विल सी इन दैट सब सरफेस एरिया इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओवर बॉडी ओके सो वट इज ग्रेविटी मेथड इन दिस मैथड वी विल स्टडी अबाउट दी सरफेस डेंसिटी डिफरेंस ओके सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू टर्म्स रिगार्डिंग जियोइड रेफरेंस फिरोइड तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना as you can see uh, this brown portion is hill okay and this blue portion is water ocean we know that mountains they are of lower density okay and uh, below the mountain lies the excess mass uh, if you have seen my isostasy video you must have been un understood what i am saying and what happens in the case of ocean there will be the deficiency of mass in the case of hill, there will be excess mass. In the case of ocean, there will be deficient mass. So, what will eventually happen? The geoid. What is geoid? We will see it later. So, in case of mountain, the geoid will be higher as compared to the geoid of ocean. ओके एंड रेफरेंस फ्योरोयड विल भी लोअर इन द केस ऑफ माउंटेन और हिल एज कंपेयर टू द ओशन ओके सो जियड अबव द स्फ्योड इन केस ऑफ कॉन्टिनेंट इज हाइयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मास ओके सो लेट सी वॉट इज जियोड जियड इज इक्वीपोटेंशियल सर्फेस ऑफ ग्रेविटी ओके जियड पर क्या होगा कि जितने भी ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी सेम होगी Or practically we can see that it coincide with mean sea level. Next is over the continent the geoid is affected by mass. Hmm? So geoid is always affected by mass, as you have seen in the previous slide. If in case of uh, hill there is excess mass, then geoid will be elevated, it is higher as compared to spheroid, and in case of ocean there is mass deficiency, so geoid will be lowered as compared to hill.

ठीक है तो सिमिलरली यहाँ पे यही लिखा हुआ है नाउ सी दी सेकेंड डायग्राम ओके सो इट इज़ अ हिल और माउंटेन अब हिल और माउंटेन के किस केस में क्या होगा कि उसकी ग्रेविटी जो है आउटसाइड लगेगी क्यों क्योंकि वो एक हाइट एक पर है वो एक सेंटर से दूर जा रहा है अर्थ के सेंटर से इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ तो क्या होगा कि जो एलिप्सॉइड होगा वहाँ पे जो है अपवर्ड अट्रैक्शन लगेगी एज कम्पेयर टू दी डाउनवर्ड अट्रैक्शन विच वॉज गोइंग ऑन अर्लियर सो दिस कॉज अ लोकल एलिवेशन ऑफ जियोइड अबव द एलिप्सॉइड तो क्या होगा एक एलिवेशन हो जाएगी हाँ हाइट का डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में जियोइड और एलिप्सॉइड के बीच में ठीक है तो इसको हम बोलेंगे जियोइड अंडुलेशन देखो कैसे ये जो कैपिटल एन है बस यही है हमारा अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेस मास है तो जियोइड हमारा ऊपर हो गया किस से एलिप्सॉइड से और जियोइड एंडुलेशन इस केस में या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव इन केस ऑफ हिल इट विल बी पॉजिटिव ड्यू टू द एक्सेस मास और इन केस ऑफ ओशन इट विल बी नेगेटिव सो सिमिलर इज रिटर्न ओवर हेयर द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जियोइड एंड एलिप्सॉइड जियोलेशन एंड एलिवेशन कॉज बाई दी एक्सेस मास इज पॉजिटिव एंड बाई डिफिशियन्सी ऑफ मास इज नेगेटिव एंडुलेशन ओके तो ये सिमिलर है अगर किसी को पीछे वाले डायग्राम से नहीं समझ में आया तो मैं क्या बोल रही थी तो देखो अर्थ है उसका मास एम है ठीक है ऊपर एक बॉडी लाई कर रही है वो भी कुछ वेट लगाएगी डाउन बॉडी लगेगा जो हम पढ़ चुके ग्रेविटेशन एल एक्सिलेशन विजिकल टू एम जी तो ये देखो अब ये रेड कलर का माउंटेन आ गया ये एक हाइट पर है ठीक है और ये डिस्टेंस है तो सिमिलरली यही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि जियोइड इक्विपोटेंशियल है और मास पे डिपेंड करता है और मास जो ये स्फिरड है ना अर्थ मतलब ऐसे तो ओबलेट स्फीरोड है लेकिन अभी के लिए ऐसा बोल देते हैं मास विद इन फिर क्या कर रहा है कि वो ऊपर वाली बॉडी को अपने सेंटर की तरफ डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर और जो हिल है वो क्या है एक हाइट पर है सेंटर से तो वो आउटसाइड लगा रहा है अपनी ग्रेविटी को तो उसका एलिप्सॉइड क्या है अपवर्ड अट्रैक्शन करेगा चलिए अब एक लास्ट था मैं विच इज रेफरेंस फिरोइड इसमें क्या है देखो रेफरेंस फिरोइड इज एन ओब्लेट्स फिरोइड अप्रोक्सीमेट टू तो मीन सी लेवल वेयर एक्सेस लैंड मास रिमूवड एन ओशन डी फिल्ड अब देखो मैं अपने लैंग्वेज में क्या बोलती हूँ कि जितना भी पहाड़ है उसको काट के क्या कर दिया ओशन में फिल कर दिया इसको याद मैं ऐसे करती हूँ देखो कैसे ये है हमारा अब आप समझ गए कि रेड लाइन कौन सी है और ब्लैक लाइन कौन सी है ना हिल के केस में रेड लाइन जियोइड ऊपर है और ओशन में रेड लाइन जियोइड नीचे है और रेफरेंस फिरड या फिर एलिप्सॉइड जियोइड से नीचे है किस में हिल में तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना भी पहाड़ है उसको काट के ओशन में भर दिया यही है ना एरो से क्या दिखा रही हूँ मैं पहाड़ को काट के ओशन में भर दिया तो ये हमारा क्या बन गया रेफरेंस फिरड वेयर एक्सेस लैंडमार्स रिमूफ्ड एंड ओशन इज डीप फिल्ड ओके सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ग्रेविटेश ग्रेविटी फार्मूला तो इसका एक न्यूमेरिकल भी आया होगा देखा होगा आपने इसको हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर अगर हमें ग्रेविटी देखनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसका फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी ई जी ईज फॉर इक्वेटर वन प्लस अल्फा साइंस स्क्र लैमडा प्लस बीटा साइंस स्क्वेयर लैमडा तो जो जी ई e है इट इज़ वैल्यू ऑफ एट द इक्वेटर कुछ भी हमें दिया होगा जैसे कि इस बार दे दिया था कि किस लेटिट्यूड पर जो है वैल्यू ज़्यादा होगी आपने देखा होगा गेट एग्जाम में तो इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा जी ई का ये वैल्यू है अल्फ़ा की ये वैल्यू है बीटा की ये वैल्यू है तो आपको जो एग्ज़ाम में दिया होगा आपको वो लैमडा की वैल्यू फिल कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टू डेज लेक्चर सो आई विल अपलोड नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर ट्वेल्थ मार्च बिकॉज आई हैव वन इंटरव्यू सो आई हैव टू अपीयर फॉर दैट सो विश मी अलग सो थैंक यू सो मच Do like, share and subscribe my channel and do hit the bell icon.